फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस चैनल पर। तो देखिए, हमारी जो पिछली क्लास थी उस क्लास के अंदर जो टॉपिक्स था वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, फूड के ऊपर बेस्ड होता है और उस फूड को कंट्रोल करने के लिए फूड लॉ बनाया गया है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उन सब चीज़ों को हमने पिछली क्लास में देखा था। अब देखिए, हम जो अब आगे जो बढ़ने वाले हैं इसके सिलेबस के अंदर फूड लॉ की डायरेक्शन में हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने हमारी पिछली क्लास में ये कह दिया था कि हम सबसे पहले फूड को पढ़ने से पहले हम फूड को के लॉ को समझेंगे कि फूड लॉ क्यों आया है, फूड की क्वालिटी या सेफ्टी के लिए क्यों फूड लॉ की ज़रूरत पड़ी, इसको हम पहले समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर पूरा देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है वो लाइफ दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान स्थिति ये कहती है कि किसी को भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है हर एक व्यक्ति को। एक तो है सही खाना, फूड, सही भोजन, ठीक है। दूसरी तरफ से सही ड्रग्स का कंजप्शन, यानी कि जो भी आप ड्रग्स यूटिलाइज कर रहे हो उस सही ड्रग्स को हमारी बॉडी में वो सही ड्रग जाना चाहिए और सही फूड ही जाना चाहिए। आप समझ सकते हो कि अगर ये दोनों ही चीज़ों के अंदर इम्बेलेंस हो जाए तो आपकी बॉडी के साथ क्या हो सकता है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो हमारी जो लाइफ है वो इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, फूड और ड्रग्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हमारे भारत के अंदर देखा जाए तो शुरू से ड्रग्स को कंट्रोल करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ड्रग्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इस तरफ हमारा ध्यान कम रहा था फूड की तरफ। तो ड्रग्स के केस में जब बात की गई तो ड्रग्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो भारत सरकार ने एक एक्ट और रूल लेके आए थे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1940 एंड 1945, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1940 और 1945। एफएसओ एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस एक्ट के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भर्ती इस ड्रग्स के लिए नहीं है, इस फूड की क्वालिटी के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती की जा रही है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि फूड लॉ की जो हिस्ट्री है, इस फूड लॉ की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर फूड लॉ की शुरुआत हुई थी। क्योंकि भारत आज़ाद होने से पहले, आप देख लीजिए यहाँ पे, भारत आज़ाद होने से पहले ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स आ चुका था, यानी कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नियम है, अंग्रेज़ों के बनाए हुए अधिनियम थे जिनको फॉलो करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, ड्रग्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स उन्होंने 1940-1945 बना दिए गए थे। तो देश आज़ाद होने से पहले ही इसी तरह से फूड की जो क्वालिटी थी, फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज क्या लेके आए थे, फूड बिल, ठीक है। यानी कि देश आज़ाद होने से पहले हमारे कंट्री के अंदर अंग्रेज़ों का एक फूड बिल चला करता था, उस फूड बिल के अंतर्गत ही फूड की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद देखा गया कि जब देश आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद होने के बाद में क्या किया गया कि हमारे कंट्री के अंतर्गत फूड लॉज लाए गए, ठीक है। लॉज इसलिए कहा गया कि कोई पर्टिकुलर एक नियम नहीं ला के, अलग अलग तरह के यहाँ पे फूड लॉज थे, जिस तरह के फूड प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे थे, जैसे दूध पे बना हुआ प्रोडक्ट है, मीट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, फ्रूट, वोलेटाइल ऑयल, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे थे उन सब की क्वालिटी को कंट्रोल करने के पर्पस से यहाँ पर क्या लाया गया, फूड लॉज लाए गए थे। तो उस वक्त क्या था, देश आज़ाद होने के बाद में 8 फूड लॉज को फॉलो करना शुरू किया, हमारे कंट्री के अंदर 8 फूड लॉज थे जिनको चलाया गया फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो 8 फूड लॉज थे वो किससे जुड़े हुए थे, मिल्क से रिलेटेड जुड़े हुए थे, मीट से रिलेटेड जुड़े हुए थे, फ्रूट प्रोडक्ट से रिलेटेड जुड़े हुए प्रोडक्ट फ्रूट लॉज थे, इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल, एडिबल फ्लोर, ठीक है, इसके साथ ही भी एडिबल ऑयल पैकेजिंग, ये सब तरह के जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर्स थे, ये सब ऑर्डर्स को यहाँ पर क्या किया जा रहा था, फूड लॉ को फॉलो किया जा रहे थे।
तो हमारे कंट्री के अंदर इन फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने की बात आती थी, तो हर स्टेट वगैरह इन सब नियमों का फॉलो करता था। और इन सब नियमों में भी एक नियम ऐसा था जो सबसे ऊपर का नियम माना गया था, एक सबसे बड़ा जो एक्ट था वो था आपका पीएफ एक्ट 1940, यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये जो एक्ट था इस एक्ट को ही उस वक्त फॉलो किया जा रहा था कि कहीं भी अगर किसी स्टेट में अगर मिलावट होती है तो मिलावट होने के केस में फिर क्या रहता है वहां पर कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी नियम थे उन नियमों के अंतर्गत मिलावट को रोकने का काम था। और इस मिलावट को रोकने के लिए जो फील्ड में जाके जो काम कर रहे थे उनको फूड इंस्पेक्टर कहा जाता था। तो वो जहाँ भी जाते थे इंस्पेक्शन करने पहुँचते थे, कहीं पर मिलावट हो रही होती तो वहाँ पर मिलावट को रोकने का काम रहता था। और इसके अंतर्गत जो भी सजा का प्रावधान था या कोई पेनल्टीज़ का प्रावधान था उन सबको फॉलो किया जा रहा था। तो इन सब फूड लॉस को फॉलो करते वक्त एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी उस वक्त हमारे कंट्री के अंदर कि अलग अलग तरह के तो फूड लॉ इतने तरह के, ठीक है, और उन सब फूड लॉ को भी हर स्टेट के अंदर फॉलो करना, तो कोई भी स्टेट था वो एक यूनिफॉर्मली इन सब को फॉलो नहीं कर पा रहा था। हर स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से या यूँ कह दीजिए कि हर स्टेट अपनी कंडीशन से हिसाब से उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा था। तो रियल में देश आज़ाद होने के बाद में जो फूड वाला जो ये पार्ट था तो रियल मायने में फूड की क्वालिटी को सही तरह से कंट्रोल किया ही नहीं जा रहा था। और देखते ही देखते क्या हो गया, हमारे देश के अंदर मिलावट का काम बढ़ना शुरू हो गया, फूड की अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर या फूड की मेल प्रैक्टिस होना शुरू हो गई। आप भी देखा होगा कि कई बार आप जाते हो बहुत जगह पर आपको लगता है कि फूड को अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर या मेल प्रैक्टिस के अंतर्गत उस फूड को बनाया जा रहा है और लोग उस फूड को कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रही है कि ये जो भी डिजीज़ है उसका ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है यहाँ पे। तो इन सब कठिनाइयों को देखते हुए कि अलग अलग फूड लॉस थे हर स्टेट के अंदर, इनको फॉलो कराने में बहुत बड़ी एक दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो अब क्या रहा गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने देखा कि देश आज़ाद होने के इतने साल बाद भी फूड की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा जितना अच्छे से उन्होंने ड्रग्स वाले पार्ट के अंदर जाके क्वालिटी को कंट्रोल किया। तो ये जो दोनों ही पार्ट थे फूड एंड ड्रग्स है, तो इनको वर्तमान के अंतर्गत जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी इनकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है वो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी MHFW। MHFW ही क्या करता है, इस फूड की क्वालिटी या ड्रग्स की जो भी क्वालिटीज़ है पैरामीटर्स होते हैं उन सबको देखता है कि भाई कि पूरे इंडिया के अंदर ये सब कुछ सही कंडीशन में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या कर दिया कि इधर तो दिक्कतें नहीं थी, यहाँ पर फूड की क्वालिटी के से रिलेटेड बहुत अच्छा काम किया गया था, लेकिन दिक्कत कहाँ पर थी सबसे बड़ी कि इस फूड की क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो क्या हुआ कि यहाँ से फिर क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट था उन्होंने क्या किया कि इस दिशा के अंदर एक कदम उठाने का सोचा कि कैसे न कैसे करके हमको इस फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस दिशा में कदम उठाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक एक्ट को लाने की इन्होंने कोशिश की, क्यों ने इन सब फूड लॉस को इन 8 फूड लॉस को मिला के एक एक्ट लाया जाए जिसको नाम दे दिया फूड एक्ट, ठीक है। फूड एक्ट है जिसके अंतर्गत क्या हो कि इस फूड एक्ट को लाया जाए जिससे क्या हो सके कि फूड की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके। तो वर्तमान के अंतर्गत जो ये एक्ट है ये जाना जाता है FSS एक्ट 2006 एंड रूल्स 2011 ये लो, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और रूल्स 2011, यानी कि इन फूड 8 फूड लॉस को मिला के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया कि पूरे इंडिया के अंतर्गत एक ही तरह का एक्ट हो, एक ही तरह का रूल्स हो, उसके अंदर किसी तरह की हर स्टेट के अंदर भ्रांति
नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने एक फूड एक्ट को लेके आए 2006 के अंदर। तो देखिए अगर मोटा मोटा देखा जाए कि रियल मायने में तो देश आज़ाद होने के बाद में अपन अगर सोचे तो कितने साल बाद में फूड से रिलेटेड क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए सख्ती से इसको अप्लाई किया जाना शुरू किया है। तो हमको जरूरी हो गया है कि हमारा सबसे पहले जरूरी कि किस तरह से इन 8 फूड लॉ को मिला के एक तरह का फूड एक्ट लाया गया। ये एक तरह का फूड एक्ट क्या है, एक तरह की ऐसी बास्केट है, उस बास्केट के अंदर ये 8 तरह के रूल्स या 8 तरह के लॉस को फॉलो किया जाता है। तो हम समझे, हम यहाँ पर फूड एक्ट के अंतर्गत ये समझेंगे कि इस फूड एक्ट को लाने के पीछे की हिस्ट्री क्या है, कि किस तरह से इस फूड एक्ट को लाया गया और किस तरह से इस फूड एक्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो अब हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा सोचना शुरू करें तो क्या हुआ कि 23 अगस्त 2006 की बात है, जो उस टाइम के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे उन वर्तमान राष्ट्रपति के पास में एक असेंट्स भेजा जाता है, जो उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उसने एक असेंट्स भेजा प्रेसिडेंट को। उस प्रेसिडेंट के पास में जब ये असेंट्स जाता है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, कि इस असेंट्स में ये बताया जाता है कि जो भी 8 फूड लॉज हैं अब तक हमारे कंट्री में 8 फूड लॉज को फॉलो किया जा रहा है और अब कंट्री ये चाहता है कि एक नया फूड एक्ट लेके आया जाए। इस नए फूड एक्ट या अधिनियम को लागू करने के लिए राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। उस अनुमति के लिए जो असेंट्स राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पास में आया वो 23 अगस्त 2006 का दिन था। तो इसके बाद राष्ट्रपति ने जब इसके परमिशन दी कि हाँ भाई कि आप इस तरह का फूड एक्ट ला सकते हैं, तो उसके लिए फिर इन्होंने क्या कर दिया कि 24 अगस्त 2006 का पहला वो दिन था जब इस फूड एक्ट को लाया गया। वैसे तो क्या है, फूड एक्ट के अंदर आगे बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन सभी पार्ट के अंतर्गत अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेट के अंदर वो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं सब। लेकिन फिर भी अगर कभी आपसे इंटरव्यू के अंदर या एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश के अंदर फूड एक्ट कब से फूड एक्ट को लाया गया था, तो ध्यान रखना वो डेट थी आपकी 24 अगस्त 2006। इसके लिए क्या किया गया, एक नोटिफाई जारी किया गया, असेंट्स मिला प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने क्या कर दी, अनुमति दे दी। तो उसके बाद में फिर क्या किया गया, एक गजट जारी कर दिया गया, भारत सरकार ने एक गजट जारी किया, उस गजट के अंतर्गत इस फूड एक्ट को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो इस गजट से ही यहां से शुरुआत हुई थी एफएसएस एक्ट 2006 की। तो आपसे कभी भी इंटरव्यू या एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एफएसएस का जो अधिनियम था वो कब कौन सी तारीख से लागू हुआ था, 24 अगस्त 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, किस तरह से लागू हुआ था, नोटिफाई करके। ध्यान रखना एक सिंपल नोटिफिकेशन के साथ में इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अधिनियम को यहाँ से लागू कर दिया गया था, लेकिन ये पूरा अधिनियम है किस तरह से प्रोसेसिंग में आया, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस 2006 के अधिनियम के अंतर्गत किस तरह के नियम बनाए गए, किस तरह के रूल्स बनाए गए जिनको 2011 में लागू किया गया। तो सिर्फ एक अधिनियम बना देने से काम नहीं चलता है, इस अधिनियम के अंतर्गत रूल्स बनाने होते हैं, इन रूल्स को बनाने के लिए कोई एजेंसी या अथॉरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि वो एजेंसी अथॉरिटीज इन रूल्स को फॉलो करवाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ से इस दिशा में काम होना शुरू हो गया, यहाँ से कि अब आपका एफएसएस एक्ट 2006 तो लागू हो गया लेकिन इसको किस तरह से प्रोसेसिंग के अंतर्गत लाया जाए वो भी यहाँ पर देखना जरूरी है। तो ठीक इसके 1 साल 23 दिन बाद, ये डेट कोई इम्पोर्टेंट डेट नहीं है अगर बात करें, 1 year 23 days आफ्टर, कि 1 साल 23 दिन बाद की अगर बात करें हम, 1 साल 23 दिन बाद क्या हुआ था कि जो हमारे देश का कैबिनेट सेक्रेटरी था, उस टाइम का जो वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी था, उस वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या किया, वर्क अलॉटमेंट किया। ठीक है, अधिनियम हो गया, नोटिफाई हो गया, गजट जारी हुआ, इसके बाद ठीक 1 साल 23 दिन बाद देखा गया, वर्क अलॉटमेंट किया गया।
किस डिपार्टमेंट को वर्क अलॉटमेंट दिया गया? MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट को वर्क अलॉटमेंट किया गया कि आप कैसे न कैसे करके इस फूड एक्ट को लाया जाए, तो जिसके लिए क्या किया गया कि जो भी एक्टिविटीज थी, वर्क था रिलेटेड टू FSS एक्ट, इस एक्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर वर्क काम करना है वो किसके अंतर्गत काम करना है? MHFW के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमने पिछली क्लास में जब बात कर रहे थे कि कौन सा मंत्रालय है, जिस मंत्रालय के अंतर्गत जो फूड लॉज आते हैं वो कौन सा है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंटरव्यू पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम MCQ पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से जब अब वर्क, जब कैबिनेट सेक्रेटरी ने वर्क अलॉटेड किया MHFW को, तो यहाँ से फिर क्या हो गया, MHFW ने अपना काम करना शुरू कर दिया। MHFW ने अपना काम करना शुरू किया कि भाई कि किस तरह से इस FSS एक्ट को लाया जाए। तो अब यहाँ पर MHFW ने भी क्या किया, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया। बिल्कुल सही बात है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन जारी कर किया गया, इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत यानी कि जो 2006 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत आपके आ रहे थे सेक्शन 4 टू सेक्शन 10, और भी अधिनियम, इस अधिनियम के साथ और भी सेक्शन है, लेकिन अपने लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आपका सेक्शन 4 है। एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो अपने लिए सेक्शन 4th इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, MHFW ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया इस सेक्शन 4th और 10 के अंतर्गत। इस सेक्शन 4 10 के अंतर्गत क्या दिया गया, किस यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि कोई यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन रूल्स को तैयार करने में क्या करे, गवर्नमेंट की हेल्प करे, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करे। यानी कि यहाँ पर इस नोटिफिकेशन ने एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी किसी भी रूल्स को बनाने के लिए, या कोई भी कोई डिफ़िकल्टीज आती है इस रूल्स या रेगुलेशन को बनाने में, कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, हेल्प करे। और इन सभी रूल्स को बनाने में एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया सेक्शन 4 के अंतर्गत। उस अथॉरिटी का नाम था FSSAI, नहीं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। यानी क्या कहता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो FSSAI जो ये इस्टेब्लिश हुई थी, FSSAI को इस्टेब्लिश करना था। MHFW ने कहा कि किसी भी फूड एक्ट के रूल्स लाने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई अथॉरिटी को डिसाइड किया जाए। तो ऑल इंडिया लेवल पर एक जो कॉमन अथॉरिटी है उसका नाम होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत क्या हुए, इन रूल्स का बनाना शुरू किया जाना चाहिए। तो अब देखिए क्या हुआ, अब फसाई तो इन्होंने बना दिया सेक्शन 4 अंतर्गत, लेकिन इसके अंदर अब काम करने वाले लोग कहाँ से लाए? सही बात है भाई कि आपने कोई एजेंसी अथॉरिटी तो डिसाइड कर दी, लेकिन वो अथॉरिटी के अंदर काम करने वाले लोग कहाँ से लाओगे आप? ठीक है, लोग तो सारे काम कहाँ पर कर रहे थे, इस फूड लॉ के अंतर्गत जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे यहाँ पर, या और जितने भी डेजिग्नेशन ऑफिसर्स के अंदर, फूड सेफ्टी कमिश्नर, DO, डेजिग्नेशन ऑफिसर जो भी थे, तो जो भी ऑफिसर या एजेंसीज इन्वॉल्व थी वो सब तो यहाँ पर इन्वॉल्व थी। तो अब एक चीज़ तो दिमाग में ही आ गई कि नए लोग थोड़ी लाने इनको, जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे, जो यहाँ पर एजेंसीज इन्वॉल्व थी, उन सभी लोगों को ट्रांसफर करना था किसके अंतर्गत, इस फसाई के अंतर्गत। यानी कि यहां पर यह कह सकते हो आप कि सेक्शन 90 के अंतर्गत यही काम हुआ। सेक्शन 90 के अंतर्गत क्या हुआ कि जितनी भी जो एम्प्लॉइज थे, जो भी कोई अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी, ठीक है, उन सभी अथॉरिटीज को क्या कर दिया जाए, जो भी एम्प्लॉइज थे या जो भी एक्ट और रूल्स बने हुए, जो भी अब तक के जो भी एक्ट और रूल्स बने हुए थे, इसको लिख दीजिए, जो भी यहाँ पर लॉज बने हुए थे, जैसे अभी तक बात कर रहे हैं इन 8 लॉज की बात कर रहे हैं अपन, तो इन सब का क्या कर दिया गया, इस नियम के अंतर्गत स्थानांतरण कर दिया गया, ट्रांसफर, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत
जितने भी एम्प्लॉय अथॉरिटी जो इन्वॉल्व थे, जो भी लॉज वगैरह थे, उन सबको एक कॉमन कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, फसाई के अंतर्गत इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे कि क्या हो सके कि इस नियम को लागू किया जा सके। तो अब हमको यहाँ तक ये समझ में आ चुका है कि किस तरह से तो हमारे कंट्री के अंदर फूड लॉस चलते थे, उसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ी एक कॉमन नियम की, जिसको हमने फूड एक्ट के नाम से जाना, जो कब आया था 2006 में आया था। किस तरह से आया था ये 2006 में, कि प्रेसिडेंट को एक असेंट जारी किया गया था, फिर प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद में 24 अगस्त 2006 को गजट के अंदर नोटिफाई कर दिया गया, और इसी तारीख को हमने FSS एक्ट 2006 की सबसे पहले तारीख को हमने माना। अब इसके बाद में इस एक्ट को लागू करवाना, किस तरह से इसके लिए रूल्स बनने हैं, वो सब चीज़ों को इस प्रोसीजर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को काम दिया गया कि आप इस काम को करोगे। अब मंत्रालय क्या करेगा, किसी न किसी प्राधिकरण को बनाएगा। ऑथोरिटी क्या होती है आपकी, ऑथोरिटी होती है प्राधिकरण। तो ये ऑथोरिटी या जो प्राधिकरण है वो क्या करेगा, इन रूल्स को बनाने में मदद करेगा। ऑथोरिटी को काम करने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, लोग वो चाहिए जिनको पहले से एक्सपीरियंस हो इनसे रिलेटेड। तो वो सब एम्प्लॉय ऑथोरिटी लोग कहाँ से मिल गए, सेक्शन 90 के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दिए गए, और फसाई को यहाँ पर क्या कर दिया, अपना काम देना शुरू कर दिया। और अब देखिए सबसे अच्छी बात ये, जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 5 सितंबर 2008 को फसाई इस्टेब्लिश हो गया था, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फसाई की स्थापना की तारीख कौन सी है, 5 सितंबर 2008। और जो फूड एक्ट आया था वो कहां से था, 2006 के अंदर। तो कई बार क्या होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, वो देखते हैं कि 2008 के अंदर तो फसाई आया है तो 2006 के अंदर फूड एक्ट कहाँ से आ गया। अरे भाई, पहले एक्ट आया है 2006 के अंदर, फिर उसके बाद में इस एक्ट के अंतर्गत ही, सेक्शन 4 के अंतर्गत ही इस फसाई की स्थापना की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि फसाई पहले आया हो और उस फसाई ने आके फूड एक्ट लेके आया हो, फूड एक्ट की वजह से फसाई आया है, न कि फसाई की वजह से फूड एक्ट आया है ना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपन यहाँ पे कि इस एक्ट के अंतर्गत 2006 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत सेक्शन 4 के अंतर्गत इस फसाई की स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था प्राधिकरण का 5 सितंबर 2008 के अंतर्गत। तो एक महत्वपूर्ण तारीख है जिसको हमारे को पता होना चाहिए, इंटरव्यू पर्पज से भी इम्पोर्टेंट डेट है और एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट डेट है। तो यहाँ तक हमको कुछ एक बातें हैं जो फूड से रिलेटेड, जो फूड लॉ से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो हमारे माइंड के अंदर क्लियर होना शुरू हो रही है। अब हम इन सब चीज़ों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हमने सब मिनिस्ट्री को समझा, हमने यहाँ पर समझा कि किस तरह पर यहाँ पर अथॉरिटीज़ होती है, जैसे यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ आई, ठीक है। इसके बाद में इस एक्ट के अंतर्गत ही ये भी कहा गया कि ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉमन अथॉरिटी होती है, वैसे ही हर स्टेट की भी अपनी एक स्टेट फूड अथॉरिटी होनी चाहिए, ये भी है एक्ट के अंतर्गत। तो स्टेट की भी फूड अथॉरिटीज़ होती है, तो इस तरह से और बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो फूड की क्वालिटी से रिलेटेड इन्वॉल्व है। इसके बाद में जो भी डिपार्टमेंट्स आएंगे फूड से रिलेटेड, उन सभी डिपार्टमेंट की बात करेंगे अपन। ऑफिसर्स के अंदर हमने देखा है कि अब फूड सेफ्टी ऑफिसर के अलावा और कौन कौन से जो ऑफिसर्स होते हैं जो फूड की क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, जो काम करते हैं, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं। तो उन सभी ऑफिसर्स हैं या जो भी हायरार्की है डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी जो हायरार्की है, उस हायरार्की को भी हम फूड से कोरिलेटेड करके हम समझेंगे कि किस तरह से फूड की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। इससे रिलेटेड जो डिस्कशन होगा हम हमारी आगामी आने वाली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन लगता है तो उससे रिलेटेड आप हमको सूचित कर सकते हैं कि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी से रिलेटेड कोई डाउट लगता है तो उससे रिलेटेड आप कोई भी बात हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।